जैसे अपनी कंट्री के अंदर सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स होती है, अपने यहाँ नॉर्मल अगर ये काम करना है तो कोई अलग से स्टडी उसकी प्रॉपरली नहीं होती। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, पर उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ग्रोथ का पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं रहता। जर्मनी के अंदर अलग है, यहाँ पे सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स के लिए अलग से हाउस बिल्डिंग बनाया गया है। आज के वीडियो में हम वही हाउस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि ये हाउस बिल्डिंग में होता क्या है, सीखते क्या हो, रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी क्या होगी, फॉरेनर्स के लिए क्या स्कोप है इसमें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने बात की, हर एक कंट्री की तरह यहाँ पे भी सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। जर्मनी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी शॉप की जगह पे बड़े बड़े सुपरमार्केट का कल्चर यहाँ पे ज्यादा है, बड़े बड़े मॉल्स और वो सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है अगर प्रॉपरली पूरा जो सिस्टम चलाना है, तो उसके लिए आपका अलग से ट्रेनिंग होता है, वो ये हाउस बिल्डिंग में होता है। अभी बात आती है कि हाउस बिल्डिंग में आप सीखते क्या हो, ये जानना जरूरी है कि ये हाउस बिल्डिंग वन ऑफ द रेयरेस्ट हाउस बिल्डिंग से उसमें से आता है कि जो हाउस बिल्डिंग 2 साल के अंदर खत्म हो जाता है। अगेन कॉम्बिनेशन होता है आपका थियरी और प्रैक्टिकल का। थियरी स्कूल में सीखते हो, प्रैक्टिकल आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे सीखते हो। थियरी के अंदर पहले साल में आप बेसिक चीजें सीखते हो सेलिंग के रिलेटेड, जैसे कि कस्टमर को कैसे समझना है, सेलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, पेमेंट की डिफरेंट मेथड क्या होती है, वो सारे बेसिक सीखते हो। दूसरे साल के दौरान आपको थोड़ा डिटेल में सिखाया जाता है कि कस्टमर रिलेशन कैसे डेवलप करना है, दूसरी चीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करना है, चीजों का रिकॉर्ड कैसे रखना है, कैसे मंगवाना है, कैसे ये कंप्यूटर के ऊपर सारी चीजें हैंडल करनी है, कैसे सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं, ये सारी चीज आप दूसरे साल में सीखते हो। और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल में अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर या किसी बड़े मॉल में इस तरह से काम कर रहे हो तो आप वहाँ की सिस्टम जो है आप पूरी तरह से सीख जाते हो। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपकी सैलरी क्या होती है। जैसे मैंने बात की, 2 साल का हाउस बिल्डिंग होता है, पहले साल में स्टाइपेंड अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 यूरो के आसपास होता है, दूसरे साल में 1000 से 1100 यूरो के बीच में होता है। जैसे ही आपका हाउस बिल्डिंग खत्म हो जाता है, आप सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की तरह जॉब कर सकते हो। कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो आप? ग्रोसरी स्टोर हो गया, गार्डन के बहुत सारे शॉप्स है, बड़ी बड़ी स्टोर्स होते हैं, वहां पे काम कर सकते हो, या तो कहीं पे कपड़े की दुकान हो गई, या तो फिर कोई और नॉर्मल शॉप हो गई जहाँ पे कोई चीजें बिक रही हो, वो सारी चीजों में आप से वहाँ पे काम कर सकते हो। आपकी वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जनरली 2200 से 2500 यूरो से शुरू होती है, 2800 यूरो तक पहुंच सकती है, आगे जाके थोड़ी थोड़ी वो बढ़ती रहती है। फ्यूचर में आपकी पॉसिबिलिटी क्या है ग्रोथ की, आप आगे जाके अगर आपने कुछ साल का एक्सपीरियंस ले लिया, यहाँ की सिस्टम समझ गए, आप यहाँ के सप्लायर्स को समझ गए कि कहाँ से सामान लेना है, क्या करना है, अच्छे कॉन्टैक्ट बना लिए, सब कुछ सिस्टम समझ लिया आपने यहाँ का, आगे जाके आप अपनी शॉप भी खुद की खोल सकते हो अगर आपका कोई शौक है, या तो फिर कोई बड़ी कंपनी में भी आप सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स की तरह काम कर सकते हो। उसमें जो है आपको कई बार इंसेंटिव मॉडल्स भी होते हैं, उसमें आपका अर्निंग का पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट बेसिक है, सबसे पहले तो आपका 12th कंप्लीट हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन कौन से वो मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने सेल्स की बात की, आप कई बार कैशियर काउंटर पे और उन सब पे भी बैठते हो, सारी चीजों का रिकॉर्ड और वो सब भी रखते हो, उस चीज के लिए सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपके कंप्यूटर भी आपने लिया हुआ होना चाहिए और उसमें भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। दूसरी रिक्वायरमेंट लैंग्वेज के रिलेटेड होती है, जर्मन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये लोग B2 एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अगेन एज आई सेड आपको जो है वो पब्लिक के साथ बातें करनी है, ये कम्युनिकेशन वाली ब्रांच है तो उसके अंदर जर्मन का कमांड अच्छा हुआ होना चाहिए। इंग्लिश भी एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ के लोग, इंग्लिश भी आपको अच्छी आनी चाहिए, आप अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आपको इंटरनेशनल सप्लायर है और वो सारी चीजें हैं तो उनके साथ अगर आपको डील करना है, अगर आपकी इंग्लिश आती हो आपको तो आपको अच्छी पोजिशन पे जॉब मिल सकती है। वो दो चीज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये चीज फॉरेनर्स के लिए पॉसिबल है कि नहीं। आंसर है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है फॉरेनर्स के लिए। ऑफ कोर्स मेरे पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बट स्टिल मैं जब जॉब मार्केट देखता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारी जॉब ओपन पड़ी हुई होती है, हॉस्पिटलों की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको जानना ये जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल इसके अंदर बैठनी चाहिए, कि आपके लिए जरूर फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आप जनरली ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर वो सारी चीजें आप सीखे हुए होते हो। अगर आपका सेल्स बैकग्राउंड है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो वो भी आपका जरूर काम आ सकता है इस चीज के अंदर, आप जरूर से इसको फॉलो कर सकते हो। अच्छी ब्रांच इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द इजिएस्ट हाउस बिल्डिंग है पास करने के लिए, क्योंकि थियरी में इतना ज्यादा डिफिकल्टी वाला सेक्शन नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल चीजें नहीं आती, ये चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है। और दूसरी चीज की हाउस बिल्डिंग सिर्फ 2 साल का है तो आपका हाउस बिल्डिंग फटाफट खत्म होके
आप यहाँ पे जल्दी सेटल हो सकते हो, पोटेंशियल भी अच्छा है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द गुड ब्रांचेस है फॉरेनर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। आई होप कि आपको इसके रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर आपको ज्यादा डाउट्स है और अगर आपको हाउस बिल्डिंग करना है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल देन, हैव अ नाइस डे।